सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बड़े बयान से। जी हां, उमा भारती का यह बड़ा बयान सामने आया। जबलपुर हरदा की घटना पर उमा भारती ने आतंकी घटना की आशंका जताई है। कहा कि हरदा हमेशा से ही सिमी का गढ़ रहा है, एक जगह विस्फोटक होना और बनना जांच का विषय है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबलपुर में उमा भारती ने यह बयान दिया है। हरदा में जो कल विस्फोट हुआ पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में, उसको लेकर इसे आतंकी घटना से जोड़कर यह आशंका व्यक्त की है। कहा है कि हरदा जो है वो हमेशा से ही सिमी का गढ़ रहा है और एक जगह पर विस्फोटक का बनना और विस्फोटक का उसी जगह पर होना ये जांच का विषय है। अवैध स्थान पर विस्फोटक सामग्री का होना बनना, इसकी ठीक से जांच हो जाए। इसके पहले भी उस इलाके में सिमी के लोगों की गतिविधियां रही हैं, अगर आपको पता हो तो। ये सारी चीज़ों का ठीक से मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जांच कर रहे होंगे। ये तो लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में अवैध बारूद बनना, कि उसका विस्फोट हो गया और ये सब हो गया, तो कहाँ से सामग्री जुटी होगी। तो वो तो जब तक इस प्रकार के लोग ना हो जो आतंकी गतिविधि में संलग्न रहते हों, ऐसी सामग्री मिल नहीं पाती। इधर हूं। पवन पटेल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, बड़ा बयान दिया है उमा भारती ने। बिल्कुल, जिस तरह की जो है बयान सामने आया है उमा भारती का, चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और मध्य प्रदेश में जो है सिमी का कई सारे गढ़ रहे हैं, जबलपुर जिनमें से एक बेहद संवेदनशील रहा है, तो उनके बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो आशंका जाहिर की है उसकी चर्चा भी पहले से हो रही है और उन्होंने भरोसा जताया है कि मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री मोहन यादव इसकी गंभीरता से जांच करेंगे और सुरक्षा एजेंसियां जांच करके अगर कहीं कोई आतंकवादी संगठन या गतिविधि का उसमें शामिल होगी तो उस पर भी खुलासा किया जाएगा। लेकिन साथ ही ये बात भी महत्वपूर्ण है कि एक ही जगह पर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का होना, ये भी कहीं ना कहीं लापरवाही का भी परिणाम है। फिलहाल उन्होंने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, भरोसा जताया कि जांच होगी और कार्रवाई भी होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।